are watching Kali News. सीमा हैदर के साथ 25 पाकिस्तानी आए हैं। 2 से 3 घंटे में बम ब्लास्ट होगा, ट्रेड कॉल आया मुंबई पुलिस को। मुंबई पुलिस ने कॉलर को किया गिरफ्तार। सात्विक चिराग की जोड़ी ने किया कमाल, बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। एशियन गेम 2023 मलाड का रहने वाला है चिराग। शिंदे सरकार की चड्डी का नारा दिल्ली में है, कहा शिवसेना यूपी MP संजय राउत ने। संडे 8 अक्टूबर को चर्च गेट से मुंबई सेंट्रल के बीच सुबह 10:35 से दोपहर के 3:35 फास्ट अप एंड डाउन लाइन पर जम्मू ब्लॉक रहेगा। 8 अक्टूबर संडे 2023 को सेंट्रल और हार्बर लाइन पर कोई भी ब्लॉक नहीं है। पुलिस की गिरफ्त से भागा नाइजीरियन ड्रग्स पेडलर, फिर से पुलिस ने पकड़ा। नवी मुंबई से वायरल हुआ वीडियो। ICC वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे मैच के ब्रेक के दौरान नमाज पढ़ रहे पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ जमकर वायरल। बुल्दाना के समृद्धि मार्ग पर पहली बार गांजा तस्करी का केस आया सामने। 8,50,000 के गांजे के साथ 2 लोगों को लोकल क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। मानसेज घाट नगर कल्याण हाईवे पर ST बस और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर, ट्रक हुआ पलटी, 15 से 20 पैसेंजर हुए घायल। मलाड गोरे गांव कांदीवली एरिया में BMC ने अनाउंस किया वाटर कट। 9 और 13 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक नहीं आएगा पानी। क्या चल रही है ट्रेन एक्सीडेंट कराने की साजिश? महाराष्ट्र के पुणे सिटी में चिंचवाड स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक के ऊपर पत्थर लगे हुए दिखाई दिए। नासिक में MD ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। साकिनाका पुलिस ने 300 करोड़ की ड्रग्स के साथ 12 लोगों को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया ICC वर्ल्ड कप 2023 में। हिमाचल प्रदेश में हुई थी मैच। नरेश गोयल की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हिरासत की जरूरत है क्योंकि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, टालमोल कर रहे हैं, ED ने बॉम्बे हाईकोर्ट को कहा। कनाडा प्लेन क्रैश में 3 पायलट्स की हुई डेथ, जिसमें से 2 मुंबई के रहने वाले थे। इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद अर्जुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया। NCP होगी किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टी का नाम चुनाव चिन्ह विवाद पर दोनों गुटों की याचिकाओं पर 9 अक्टूबर को करेगा सुनवाई। मुंबई से जल्दी होगा मानसून अलविदा। IMD की जानकारी के मुताबिक मुंबई, पुणे और नागपुर से मानसून लौट चुका है। महादेव बेटिंग ऐप केस में ED ने अंधेरी में बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेस के प्रमाइसिस और भी 5 लोकेशन पर की छापेमारी। मुंबई के फेमस KM हॉस्पिटल में हुई बच्चों की अदला बदली, माता पिता का DNA टेस्ट कराने का फैसला। भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ मामला। कुर्ला ईस्ट के कसाईवाड़ा में सादिक कुरैशी हत्याकांड के 9 आरोपी वारदात के 40 दिन बाद भी फरार। पीड़ित के भाई शमशेर अली कुरैशी ने आरोपी हलीम खान फैमिली पर 50 से अधिक मामले दर्ज होने की बात कही। 4 फिलिस्तीनियों की मौत के बाद इजराइल पर फिलिस्तीन के फाइटर्स का पलटवार। हमस का दावा 5,000 होममेड रॉकेट इजराइल पर दागे। कई इजरायली आर्मी बेस पर हमला और कई आर्मी ऑफिसर को गिरफ्त में लेने का हमस का दावा। एक्स गर्लफ्रेंड पर शक होने पर रिक्शा ड्राइवर उदय जाधव ने चाकू से मार कर अपनी ही एक्स गर्लफ्रेंड की ली जान। कल्याण पुलिस ने उदय को किया गिरफ्तार। जवान स्क्रीनिंग के दौरान SRK के फैंस द्वारा फटाके फोड़ने के बाद मालेगांव पुलिस सिनेमा हॉल में पहुंची। 80 मिलियन फॉलोअर्स के साथ आलिया भट्ट इंस्टाग्राम पे 4थी सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली इंडियन बनी। कयामत तक पर्सनल लॉ में नहीं हो सकता बदलाव, UCCA को लेकर जमाते उलमाए हिंद ने कहा।